नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। इन सब में सबसे ज्यादा चर्चित टिकटॉक है। तो मैं आपको बताऊंगा ये सारे ऐप्स को बैन क्यों किया गया और टिकटॉक का अल्टरनेटिव क्या है कि आप किससे वीडियोस बना सकते हो। जैसा कि अभी आपको पता है बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो आपको यहां भी पता है कि वो कौन से ऐप यूज कर सकते हैं। जैसे कि डब स्मैश है, 100 मिलियन ऑलरेडी यूजर्स हैं और 4.2 रेटिंग है इसकी। दूसरा आप रोपोसो ऐप, 50 मिलियन यूजर्स हैं 4.7 रेटिंग के साथ। दूसरा है मित्रों और बोलो इंडिया, मित्रों के हैं 100 मिलियन एंड बोलो इंडिया के हैं सिर्फ और सिर्फ 100K। तो इनमें से आप कोई सा भी ऐप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास अल्टरनेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन नहीं करने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। हमारा यूथ है और हमारी टोटल जनसंख्या 130 करोड़ है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती किसी का भी इंफॉर्मेशन कहीं और जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने यह हार्श स्टेप लिया है। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।